कांजरम उसके आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, पीने को मिलेगा स्वच्छ पानी। जल है तो जीवन है, आपने सुना होगा। और अभी बदलते मौसम एवं बढ़ते प्रदूषण के बीच यह कहावत अति आवश्यक हो गया है। डॉक्टरों का माने तो ज़्यादातर बीमारी अशुद्ध पानी पीने से होता है। भूमिगत जल में लौह तत्व का अधिक पाया जाना इसका प्रमुख कारण रहा है। दूसरा कारण अभी लोगों के प्रतिरोधक क्षमता का कम होना भी माना जाता है, इसलिए शुद्ध पानी पीना लोगों की व्यवस्था है, लोगों की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग भोजन भले ही कुछ कम कर रहे हों परंतु स्वच्छ जल पीने का ही प्रयास करते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब लोग डब्बा बंद पानी पीना पसंद करते हैं ताकि स्वस्थ रह सके। आज कांडरायम आसपास के लोगों को मानव तोहफा मिला है। यहाँ पानी फिल्टर करने की एक मिनी फैक्ट्री लगाई गई है जिससे आसपास के लोगों को आसानी से शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाएगी। हमारे साथी कार्तिक गोस्वामी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने संचालक से बात किया, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज का कार्यक्रम एक छोटा सा हम लोग वाटर प्लांट जो है उसको चालू किए हैं, और ये हम लोग इसलिए किए हैं कि बहुत सारा पानी जो है शुद्ध नहीं मिलता, जिसके कारण आदमी बहुत तरह का अस्वस्थ हो जाता है। और ये पानी जो है इसे पीने से मनुष्य का बहुत तरह का इसमें फायदा है। सबसे पहला तो आपको पानी ही जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो जल अगर हमको स्वच्छ मिलता है तो बहुत तरह से हमारे शरीर में जो भी किसी तरह का कोई भी बीमारी हो, कोई भी तरह का कुछ भी, आज डॉक्टर के यहाँ हम लोग बहुत सारा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शुद्ध पानी नहीं पीते हैं जिसके कारण हम लोग बीमार होते हैं। हम 400 रुपया 300 रुपया का राशन खा सकते हैं पर ये 20 रुपीज का पानी नहीं पी सकते, जबकि सबसे कम लागत, यही सबसे बड़ा जीवन है, जल ही जीवन है। इस पर काम कर रहे हैं आसपास का लोग, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अपना जीवन को देखें, अपना जीवन को देखें, अपना जीवन से समझौता ना करें। आप मेरे पास ना ले, ये नहीं करें कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं, पर आप कहीं भी ले के लिए स्वच्छ जल ही लें, क्योंकि जल ही जीवन है। इस अभी तो इसका नाम हम लोग रखे हैं बाबा शीतल जल। आगे इसमें और भी जिस तरह का लोगों का डिमांड होगा, लोग अगर हम पर इस पर जुड़ेंगे, हमें आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो हम और भी बहुत सारा इसके आगे और भी करेंगे। जिस तरह से सेवा हमसे बन पाएगा, हम देने के लिए लोगों के लिए तैयार हैं, और उसका सेवा हमको करना है। इस सेवा भाव से हम इसको कर रहे हैं, समाज सेवा के साथ। और समाज सेवा होगा, हम किसी का भलाई करेंगे तो मेरा भलाई तो ऊपर वाला करेगा, इतना तो है। हम किसी का, हमको ये नहीं ऊपर वाला है, हम करेंगे तो, मेहनत करेंगे तो जरूर उसमें कुछ ना कुछ हमको योगदान तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि फ्री है। बस यही सोच करके हम इसको लगाए हैं। मेरा नाम पुरुषोत्तम गोस्वामी है, ग्राम खिलकनाली,